हम हमेशा से सुनते आए हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भरपूर मात्रा में पानी मिलना आवश्यक है। खासकर गर्मियों के मौसम में तो ऐसा करना अति आवश्यक हो जाता है। प्यास लगने पर तो हम सभी पानी पीते हैं, लेकिन तब तक हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग तक पानी की मांग के संकेत पहुँचते हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ गर्मी के महीनों में शरीर को उचित मात्रा में हाइड्रेशन देने पर जोर देते हैं, क्योंकि इससे कई अन्य लाभ भी होते हैं। गर्मियों में हमारे जल्दी डिहाइड्रेट होने के कारण अधिक पसीना आना, जिसकी वजह से शरीर से तेजी से पानी निकलना है। इसीलिए इस मौसम में फिट रहने के लिए सबसे आसान और सटीक तरीका है खूब पानी पीना। हालांकि गर्मियों में हाइड्रेटेड रहने से केवल हीट स्ट्रोम से बचने में ही मदद नहीं मिलती है, बल्कि इसके अन्य कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। तो चलिए जानते हैं गर्मी में हाइड्रेटेड होने के क्या क्या फायदे हैं। गर्मी में हाइड्रेटेड रहने से मसल्स के लिए काफी फायदेमंद होता है। डिहाइड्रेशन व्यायाम के दौरान मांसपेशियों को थकान और चक्कर के कारण बन सकता है। पर्याप्त मात्रा में लिक्विड का सेवन करने से न केवल जोड़ों को फायदा मिलता है, बल्कि पानी मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करता है। इसके अलावा पानी की मदद से मेटाबॉलिज्म वेस्ट को हटाने में मदद मिलती है और शरीर के तापमान को नियंत्रण रखने में आसानी होती है। दिल के लिए फायदेमंद। डिहाइड्रेशन खून की मात्रा को कम कर सकता है, जिससे पूरे शरीर में रक्त और ऑक्सीजन को प्रसारित करने के लिए हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इससे रोज के काम जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना में मुश्किलें आती है। इससे थकान बढ़ती है और गर्मी के मौसम में सुस्ती बढ़ सकती है। शरीर में तापमान को नियंत्रण करना। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रक्रिया है जो शरीर में हीट बढ़ा देती है। ऐसे में जब हम गर्म वातावरण में व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर और तपने लगता है। इस तरह ज्यादा गर्मी होने पर हमारा शारीरिक सिस्टम विफल होने लग जाता है। ऐसे में शरीर से निकलने वाला पसीना ही है जो तापमान को नियंत्रण में ले सकता है। इसके लिए आपको पानी या इलेक्ट्रोहाइड्रेट जैसे पेय पदार्थ की मदद लेनी चाहिए। कोशिश करें कि शरीर को ठंडा रखने के लिए हल्के ठंडे पानी का सेवन करें। पाचन में सुधार। आंतों के मार्ग से गुजरने वाले पोषक तत्वों के लिए शरीर में भरपूर मात्रा में लिक्विड आवश्यक होता है। लिक्विड की कमी से कब्ज हो सकता है, जो लंबे समय तक पाचन संबंधी अन्य समस्याओं को भी कारण बनाता है। पानी पेशाब और शौच के माध्यम से शरीर के कचरे को दूर करने में मदद करता है। स्वस्थ पाचन के लिए खाने के 30 मिनट पहले या बाद में पानी पिएं। ठंडा पानी भोजन के साथ मिलकर गैस, सूजन और पेट फूलने के कारण बना सकता है। मुंह की हाइड्रेशन से राहत। मुंह में होने वाले हाइड्रेशन कई बार हमें असहज कर देते हैं। गर्मी में हर कुछ घंटों पे पानी पीना आवश्यक होता है। इससे गले, होठ और मुंह में नमी बनी रहती है। इसके अलावा खाना खाने के लिए हमें लार की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। वहीं लंबे समय तक मुंह की ड्राइनेस से सांसों की बदबू की भी समस्या शुरू हो जाती है। मानसिक रूप से स्वस्थ। अधिक गर्मी के संपर्क में आने पर सबसे पहले हमारा सिर चकराने लगता है। ऐसे में हाइड्रेटेड रहने से आप स्पष्ट रूप से विचार कर सकते हैं और ध्यान केंद्रित करने में भी आपको मदद मिलेगी। पानी मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन के प्रवाह को सुधारने में मदद करता है। शरीर में 2% की लिक्विड की कमी भी एकाग्रता को कम कर सकती है। कोमल त्वचा। धूप, गर्म तापमान और तेज गर्म हवाओं के संपर्क में आने से त्वचा पर भी इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डिहाइड्रेशन की वजह से ड्राई स्किन, सनबर्न समेत अन्य कई समस्याएं होने लगती है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, इसीलिए हाइड्रेटेड रहकर आप अपनी त्वचा को सॉफ्ट और हेल्दी बना सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।